जय हिंद दोस्तों, इस वक्त की दुखद खबर सीआईएसएफ के जवानों की तरफ से निकल कर आ रहा है। सीआईएसएफ के जवान संजय कुमार महज शादी का 7 दिन बाद उनकी मौत हो गया है। शहादत की सूचना जैसे ही घर पर पहुंचा तो पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। मृतक जवान संजय कुमार का मां का हालत बेहद ही नाजुक हो चुका है। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में तैनात भवनी के कमरघट्टी निवासी सीआईएसएफ जवान ने संदिग्ध हाल में फांसी लगाकर जान दे दी। 7 दिन पूर्व उनसे प्रेम विवाह हुआ था। बुधवार को शव पैतृक गांव पहुंचते ही कोहरामा मच गया, परिजनों को रो रोकर बुरा हाल। बता दें कि कमरघट्टी गांव निवासी रामधानी सिंह का पुत्र संजय कुमार 35 वर्षीय सीआईएसएफ जवान ने कांस्टेबल की पद पर तैनात थे। वर्तमान में उसकी तैनाती पुणे एयरपोर्ट पर थी। पिता रामधारी ने बताया कि संजय कुमार 30 मई को प्रेम विवाह हुआ था। 6 जून को सूचना मिले ही महाराष्ट्र के पुणे स्थित आवास पर फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। हमारे देश के लिए शहादत हो गए हैं। बुधवार की दोपहर मृतक का पार्थिव शरीर पैतृक गांव कमरघट्टी पहुंचा तो देर शाम तक कड़ी सुरक्षा के बाद शव को दाह संस्कार किया गया। मृतक के 2 भाई में सबसे बड़ा था। छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था और पिता कृषक है। काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी कठिन परिश्रम करने के बाद 2008 में बैच में सीआईएसएफ जवान की नौकरी मिली थी। मृतक संजय कुमार महज 35 वर्ष की उम्र में हमारे देश के लिए शहादत हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक संजय कुमार खुद की फांसी लगाकर जान दे दी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है। बता दें कि घटना से पूरा गांव स्तंभ में मचा है। पूरा गांव में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। मृतक की मां जयंती का रो रोकर बुरा हाल। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मृतक का शव का गाँव में ही दाह संस्कार कर दिया गया। इसी दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मेजर प्रज्ञेश पांडे भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मृतक जवान संजय कुमार 30 मई को प्रेम में बंधे थे। 30 मई को मृतक जवान संजय कुमार का शादी हुआ था। महज 7 दिन बाद खुद की खुदकशी लगाकर आत्महत्या कर लिए, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुआ है। मैं भगवान से यही विनती प्रार्थना करता हूं कि मृतक जवान संजय कुमार का आत्मा को शांति दे और इनके परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति दे। अगर इस जवान के लिए आप लोगों को जरा सा भी रिस्पेक्ट होगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब